आज मैं संबित पात्रा से कुछ सवाल करूंगा और चुनौती भी दूंगा। पात्रा जी, आपने क्या सोचकर नरेंद्र मोदी जी को देश का बाप कह दिया? आपको शर्म नहीं आई एक बार भी? आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ नरेंद्र मोदी जी की तुलना करी? आप इतिहास जानते हैं? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी मीडिया पर बैठकर, आप इतिहास जानते हैं? नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी में तुलना करना बोले तो कितने शर्म की बात है। आपने इस चीज़ को एक साथ जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी आपके बाप हो सकते हैं, 130 करोड़ जनता के बाप नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को देश ने नहीं, दुनिया ने राष्ट्रपिता माना। शांति का दूत कहा जाता है उन्हें। और आप जो है एक अशांति फैलाने वाले व्यक्ति के साथ में आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जोड़ते हैं, देश का बाप कहते हैं। शर्म नाम की चीज है आपको? मोदी जी ने क्या ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से आपने उन्हें देश का बाप बता दिया? मैं नहीं मानता, आप मानते हैं? आपके बाप होंगे वो, हम 130 करोड़ लोगों के बाप नहीं हो सकते वो। आपने अगर बोला होता पिता तुल्य तो एक बार समझ में आता, लेकिन आपने देश का बाप बनाया उनको, जिन्होंने 2002 जैसी घटनाएं की हैं, जिन्होंने लड़कियों के जासूसी का जिन पर आरोप है उनको आप देश का बाप बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है? मुझे तीन काम बताइए आप, तीन काम जो नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में किया हो। आप नहीं, मैं चुनौती देता हूं पूरे भाजपा सरकार को, वो तीन काम बताएं जिससे देश हित में काम हुआ हो। नोटबंदी क्या उनको बाप बनाने के लिए किया गया था? नोटबंदी से 150 लोग मारे गए हैं, उसके लिए आप नरेंद्र मोदी को बाप बना बताते हो देश का? शर्म आती है आपको? नाथूराम गोडसे को एक बार अपना बाप बोलते तो मैं समझ में आ जाता कि वो तुम्हारा बाप हो सकता है। गोडसे की विचारधारा लेकर आए हो और नरेंद्र मोदी को देश का बाप बनाना चाहते हो? क्या सोच रखती है आपकी भाजपा? ये किस विषय पर आप दुनिया को भटका रहे हो, देश को भटका रहे हो? मोदी देश का बाप? गुंडागर्दी है आपकी। सम्मान जबरदस्ती नहीं मिलता है, सम्मान दिया जाता है, लिया जाता है। कन्हैया कुमार ने तो तुमको धो दिया था, तुम किसी दिन मेरे साथ बैठो संबित पात्रा जी, तुमको नहीं दिखा दिया तुम्हारा चेहरा तो तुम याद रखोगे कि हाँ किसी ब्राह्मण से पाला पड़ा है। यही सब करके तुमको सही बात, सब कन्हैया कुमार ने सही बात बोली है कि यही चाटुकारिता करके तुमको ONGC का डायरेक्टर बनाया गया है। और कोई लायकियत नहीं तुम्हारे अंदर, तुम उसको अपना बाप बनाओ, तुम उसको अपना जो चाहिए वो बनाओ, लेकिन देश पर मत थोपो। तुम डायरेक्टर बनो, तुम और बड़ी ताकत बनो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी देश का बाप है। तुम्हारा अपना बाप बनाओ उसको, देश का बाप नहीं हो सकता। शर्म आती तुम्हारी ऐसी ओछी सोच पर। तुमने देश को शर्मसार किया है, बापूजी को बेइज्जत किया है, जिन्होंने वर्षों तक इस देश को आजादी दिलाने के लिए, इस देश के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वर्षों तक जेल में अपने जीवन का निर्वाह किया, उस आदमी को तुम एक लड़की की जासूसी करने वाले के साथ जोड़ते हो। शर्म नहीं आती तुमको? चुल्लू में पानी लो और डूब मरो। तुम्हारी सोच के लिए गुजरात क्या देश नहीं माफ करेगा तुमको? तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, ये मैं खुले में कह रहा हूं, और इसके लिए माफी तक नहीं मांगूंगा कहीं से कोई दबाव आए। और इस सच बोलता रहूंगा कि तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, घटिया सोच के साथ तुम लोग भाजपा को चला रहे हो। नरेंद्र मोदी देश का बाप? अरे क्या ऐसा कर दिया देश के लिए नरेंद्र मोदी ने
एक बार सोचे ये बोलने से पहले, जो मुंह में आता है बक देते हो। तुमको गुजरात बताएगा, ये गुजरात का जो अपमान किया है तुमने, देश का जो अपमान किया है, गुजरात के बेटे का अपमान किया है, सरदार पटेल जी का अपमान किया, वो तुमको बताएंगे, वो लोग तुमको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा बाप है या राष्ट्रपिता तुम्हारा बाप है। सब्र लो, 18 तारीख आ रही है, 18 तारीख को तुमको बराबर आईना दिखेगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। संबित पात्रा, तुमको चुनौती है, किसी दिन हमारे साथ बैठो, रूबरू हो, फिर तुमको तुम्हारी औकात की पता चलेगी, क्या है औकात तुम्हारी।